इंसान और विज्ञान ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है, जो आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर जाकर बसने की कोशिश कर रहे हैं और एलियन से कांटेक्ट करने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसान धरती पर मतलब अपने ग्रह पर मौजूद सारे रहस्यों को अच्छे से समझ चुका है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी हमारी धरती पर ऐसी बहुत सारी जगह मौजूद है जो क्यों बनी थी, इनको किसने बनाया था और इनके पीछे के क्या रहस्य हैं, वो आज भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। और ऐसी ही रहस्यमय जगहों में से सबसे ज्यादा फेमस है मिस्र के पिरामिड। लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक नई जगह ले चलूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। क्या आपने ईस्टर आइलैंड के बारे में सुना है? इस आइलैंड पर पाई जाती हैं बहुत रहस्यमयी और बहुत ज्यादा विशाल मूर्तियां, और यहाँ पर एक दो नहीं ऐसी सैकड़ों मूर्तियां हैं। लेकिन क्या सैकड़ों मूर्तियां एक आइलैंड पर होना उस आइलैंड को मिस्टीरियस बना देता है? बिल्कुल नहीं। मिस्ट्री वाली बात तो यह है कि आखिर ये मूर्तियां बनाई किसने और ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति स्टैचूज को बनाने के पीछे एम क्या था? इस रहस्य को समझने के लिए हम चलते हैं साउथ अफ्रीका महाद्वीप में मौजूद चिली नाम के देश में। और ये देश इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो तट है, जो इसकी सी बॉर्डर है, वो ईस्टर आइलैंड से सबसे ज्यादा नजदीक है। नजदीक का मतलब ये नहीं कि आप एक दो घंटे में उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे, सबसे नियरेस्ट तट से भी इस आइलैंड की दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको एक बड़े से शिप की जरूरत पड़ेगी या फिर आप किसी हेलीकॉप्टर का यूज करके ही इस आइलैंड पर उतर सकते हो। लेकिन साल 1722 में, मतलब आज से लगभग 300 साल पहले, जैकब नाम का एक समुद्री एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर भटकते भटकते पहुंच गया। मतलब उसकी नाव रास्ता भटक गई थी। जैकब समुद्री तूफान में फंस चुका था, वो किसी भी पल मर सकता था, लेकिन क्योंकि वो इस आइलैंड पर पहुंच गया तो उसकी जान बच गई। इस आइलैंड पर पहुंचकर पहले तो जैकब बहुत खुश हुआ, उसे लगा यहाँ पर उसको लोग मिलेंगे, मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उसे लोग तो नहीं मिले, लेकिन एक मिस्ट्री जरूर मिल गई। यहाँ पर उसे समुद्र के तट पर बहुत सारी विशाल मूर्तियां मिली जो आसमान की तरफ देख रही थी। दूर से देखने पर तो ये इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन जब जैकब इनके पास गया तो ये मूर्तियां बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब जैकब इस आइलैंड में अंदर गया तो उसको यहाँ पर ऐसी सैकड़ों मूर्तियां मिली और ये सारी मूर्तियां आसमान की तरफ देख रही थी। मैं आपको एक अंदाजे के लिए बता दूं कि यहाँ पर मौजूद मूर्तियां 70 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखकर जैकब के दिमाग में क्या आया होगा। उसने सोचा होगा जरूर ये आइलैंड किसी मूर्तिकार का घर है या फिर शायद यहाँ पर जायंट्स रहते हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना रखी हैं। लेकिन पूरे आइलैंड पर भटकने के बाद भी जैकब को एक इंसान भी नहीं मिला। तो भैया जैसे तैसे जैकब ने अपनी नाव को रिपेयर किया और वो निकल गया अपने शहर की तरफ। वहां जाकर उसने लोगों को इन मूर्तियों के बारे में बताया तो उसके देश में रहने वाले बहुत सारे एक्सप्लोरर्स और बहुत सारे खोजकर्ता इस आइलैंड की तरफ आने लगे। शुरुआत में तो सबको लगा कि शायद ये मूर्तियां जायंट्स ने बनाई होंगी। बाद में कुछ लोगों को लगा कि शायद ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां एलियंस ने बनाई हैं। लेकिन एक बात सबको हैरान कर रही थी कि कुछ मूर्तियां बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी और कुछ जमीन में अंदर तक गड़ी हुई थी। जो मूर्तियां कंधे तक जमीन में गड़ी हुई थी, जब उनके आसपास खुदाई की गई तो पता पड़ा उन मूर्तियों का पूरा शरीर है जिसे जमीन में दफन किया गया है। तो खोजकर्ताओं का अब दिमाग घूम गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों कोई इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएगा और उन्हें जमीन में दफन कर देगा। इन मूर्तियों के कंधे से लेकर सर तक की ऊंचाई ही 70 फीट थी। जब खुदाई करके देखा गया तो ये मूर्तियां 200 फीट से भी ज्यादा बड़ी थी। ये सारी खोजें चली रही थी कि साइंटिस्ट की नजर भी इस आइलैंड पर पड़ी। जब उन्होंने इस आइलैंड की मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की तो पता चला ये मूर्तियां 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इनको बनाने के लिए ज्वालामुखी से निकले लावे का इस्तेमाल किया गया था। इस आइलैंड पर एक ज्वालामुखी भी मौजूद है जिसके लावे का सैंपल इन मूर्तियों के पत्थर के सैंपल से मेल खाता है। लेकिन आखिर कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा कि ज्वालामुखी से निकले लावे को पत्थर में कन्वर्ट करके उससे मूर्तियां बनाए, जबकि वहां उस आइलैंड पर तो कोई रहता भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि ये मूर्तियां कोई छोटे मोटे आर्ट्स थे जिन्हें किसी ने टाइम पास के लिए बनाया हो। ये इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी कि इनको तराशने में सालों का समय लग जाता।
था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस आइलैंड पर इतनी सारी मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें बनाने के लिए हजारों आदमियों की जरूरत पड़ती, जबकि यहाँ पर तो एक भी इंसान नहीं था। अब हो सकता है आप सोचो कि भैया उस जमाने में यहाँ पर रहते होंगे हजारों लोग जो अब मर गए होंगे। तो दूसरा सवाल ये आता है कि उस ज्वालामुखी के आसपास जो लावा मौजूद था जिससे ये मूर्तियां बनाई गई थी, उन मूर्तियों को उठाकर आइलैंड के हर अलग अलग एरिया में रखने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि हर मूर्ति यहाँ पर 500 टन से भी ज्यादा वजनी है और इंसानों द्वारा किसी भी हालत में इतनी बड़ी मूर्ति को उठाना पॉसिबल नहीं है। आज के मॉडर्न जमाने की मशीनों से भी ये काम करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मूर्तियां लावे और राख के मिश्रण से बनी है। अगर इनको आप किसी मशीन के थ्रू उठा भी लोगे तो ये बीच से टूट जाएंगी। देखो, बहुत से लोग इन सब चीजों का काफी बढ़िया जस्टिफिकेशन देते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग अपने पूर्वजों की यादों में ये मूर्तियां बनाते थे, या बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को कला से बड़ा प्रेम था। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासी आखिर गए कहाँ। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी दुनिया से अलग है, यहाँ पर ना कोई आता है ना यहाँ से कोई बाहर जाता है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने का क्या सेंस है, और खासकर उन्हें समुद्र की तरफ पीट करके खड़ा करने के पीछे क्या लॉजिक है। और यहाँ पर सभी मूर्तियों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, ना इस आइलैंड पर समुद्री लुटेरे आते थे ना बाहर से लोग आते थे जो यहाँ पर मौजूद आदिवासियों द्वारा बनाई गई इन मूर्तियों को देखकर उनकी तारीफ करें। और यहाँ पर मौजूद ये बड़ी बड़ी मूर्तियां कम से कम नहीं तो 4-5 पीढ़ियों ने मिलकर बनाई होंगी, जबकि यहाँ पर इस आइलैंड पर इंसानों के रहने के कोई सबूत ही नहीं मिलते। हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ हड्डियां जरूर मिली है, वो भी खोपड़ियों की, लेकिन ये खोपड़ियां इंसान की नहीं बल्कि इंसान जैसी है। ये काफी अजीब हड्डियां हैं, देखने में ऐसा लगता है कि ये हड्डियां किसी एलियन प्रजाति के शरीर के अवशेष हैं। तो क्या पॉसिबल है कि इस आइलैंड पर इंसानों जैसे दिखने वाले कोई एलियन जीव रहते थे, या फिर इंसानों जैसी ही कोई अलग स्पीशीज यहाँ पर रहती थी जो अब पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। एनीवे, इन मूर्तियों का रहस्य खुले ना खुले, लेकिन इस इमोजी का रहस्य जरूर खुल गया है। अगर आपने भी कभी अपने मोबाइल के कीबोर्ड में ये वाला इमोजी देखा है और आपके दिमाग में भी सवाल आया है कि भाई ये क्या चीज है, तो भैया जान लो कि ये बड़ी ही रहस्यमय चीज है। इसे कब, क्यों और किसने बनाया इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि भैया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना पड़ता है। लेकिन जानते हुए भी शायद आप ऐसा नहीं करते, तो भैया कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर पहली बार हमारे आइलैंड पर आए हो तो यहाँ पर रुक जाओ, इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम मूर्तियां नहीं बनाते, बनाते हैं अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे, वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में। 16वीं सदी में उड़ीसा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर कई सारी अद्भुत भविष्यवाणियां की, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों के बारे में आजकल हर कोई चर्चा करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप या आपके आने वाले पैदा होने वाले बच्चे क्या दिन देखने वाले हैं। जानेंगे हम आज के इन भविष्यवाणियों में कितना सच है और ये कितनी कल्पनाएं हैं। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी यार, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। भविष्य मलिका की सबसे पहली भविष्यवाणी तो ये है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। ये भारत के साथ हुई इस दुनिया की सबसे